जी हाँ, शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा गया? हाँ, क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जून 2021 में एक हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया जिसमें 14% लागू करने का निवेदन था। उस आवेदन पर हाईकोर्ट ने 13/7/2021 को आदेश किया जिसमें 13% आरक्षण ओबीसी का होल्ड किया गया। इससे हजारों शिक्षक भर्ती से वंचित हो गए हैं। तो हजारों में से लगभग 100 छात्रों ने याचिकाएँ माननीय न्यायालय में दाखिल की हैं पैरिटी के आधार पर, और इसमें जो शासन की तरफ से आवेदन पेश किया गया था उस शासन की वैधानिकता को चुनौती दी है कि शासन अपने बनाए हुए स्वयं कानून को इम्प्लीमेंट करने से कैसे व्रत रह सकती है और उसको लागू ना करने वास्ते कैसे आवेदन दे सकती है, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी है। और इसमें आज सुनवाई थी प्रकरणों की, माननीय न्यायालय ने प्रकरणों की सुनवाई करते हुए और प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए शासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और समस्त याचिकाओं के साथ उसकी सुनवाई निर्धारित की गई है। अगली सुनवाई चल ही रही है, उसमें कंटिन्यू है सुनवाई, लिस्ट में है केस फाइनल के लिए। खबर जबलपुर से, जहां पर 13% ओबीसी आरक्षण को होल्ड करने का मामला है। सरकारी आवेदन के खिलाफ याचिका दायर हुई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया, नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया, कानून बनाकर 27% आरक्षण दिया है, लेकिन शिक्षक भर्ती में सिर्फ 14% आरक्षण है देने का हाईकोर्ट में आवेदन दिया है। याचिका में दलील दी गई है, ओबीसी आरक्षण में अपने ही बनाए कानून के खिलाफ काम नहीं कर सकती सरकार का कदम असंवैधानिक है। आरक्षण संबंधी अन्य याचिकाओं के साथ होगी इस मामले में अगली सुनवाई। जबलपुर से खबर, 13% ओबीसी आरक्षण को होल्ड करने का मामला है। सरकारी आवेदन के खिलाफ याचिका दायर हुई है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मसले पर राज्य सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया है, कानून बनाकर 27% आरक्षण दिया है, लेकिन शिक्षक भर्ती में सिर्फ 14% आरक्षण देने का हाईकोर्ट में आवेदन दिया है, याचिका दी गई है। ओबीसी आरक्षण में अपने ही कानून बनाने के खिलाफ काम नहीं कर सकती सरकार, ये दलीलें भी दी गई, ये याचिका में जिक्र किया गया इस बात का, और सरकार का कदम असंवैधानिक है ये भी कहा गया याचिका में। आरक्षण संबंधी अन्य याचिकाओं के साथ ही इस मामले की अब अगली सुनवाई। तो लगातार हम देख रहे हैं ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई होती है और एक बार फिर याचिका दायर हुई है, सरकारी आवेदन के खिलाफ याचिका दायर हुई है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है, नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। खबर कवर्धा से, जहां पर संयुक्त कलेक्टर